हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं परमानेंट एग्जेम्पशन के बारे में। आईसीए का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है कि 15 फरवरी से लेकर 9 मार्च के बीच में आप अपना परमानेंट एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, बट उसके काफी सारे रूल्स और रेगुलेशन हैं जो पढ़ने के बाद ही आपको डिसीजन लेने चाहिए, और वो सारी चीजें मैं आपको सिंपल भाषा में आज आपको समझाने वाला हूँ। वैसे ये नोटिफिकेशन जो अपलोड किया है वो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो आप इसे जरूर से वहां से पढ़ सकते हो एक एक पॉइंट को जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जिसके लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड मई जून 2024 की एग्जाम के लिए सीए फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए हर बार की तरह हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसमें से 72-75 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो आप उसे जरूर से परचेज कर सकते हो। सब चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी या तो लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये लास्ट के अटेम्प्ट्स के रिव्यूज बोलते हैं हम नहीं, हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स बोलते हैं, जो आपको भी वहां पे टेलीग्राम पे सब चीजें मिल जाएगी। तो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें और कैसे आप एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये कि एग्जेम्पशन को क्लेम करने के लिए आपको नोटिफिकेशन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके आप लॉग इन करके नोटिफिकेशन उस एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हो। ओके भैया, एग्जेम्पशन कौन से अटेम्प्ट का क्लेम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा, सिंपल सी बात यह है कि जो भी एग्जेम्पशन आपको पता है कि एक एग्जेम्पशन जो होता है वो 3 अटेम्प्ट के लिए आपका कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जब वो 3 अटेम्प्ट कैरी फॉरवर्ड होने का एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है, उसके बाद आप उसे परमानेंट एग्जेम्पशन बना सकते हो। यानी कि मई 22 में अगर आपका कोई एग्जेम्पशन आया था जिसका 3rd अटेम्प्ट नवंबर 23 होता है, तो वो 3 अटेम्प्ट अब एग्जेम्पशन के खत्म हो गए, यानी कि अब उस एग्जेम्पशन को आप परमानेंट बना सकते हो मई 24 से आगे तक का, मतलब उसके बाद वो सब्जेक्ट आपको जिंदगी में देना ही नहीं है, वो आपका बन जाएगा परमानेंट एग्जेम्पशन। ठीक है भैया, समझ में आ गया क्या? भैया मैं मई 22 में जो स्कोर किया, एग्जेम्पशन आया, उसी को परमानेंट बना सकता हूँ मई 24 के लिए, या फिर नवंबर 23 मतलब नवंबर 22 वालों को भी बना सकता हूँ, दिसंबर 22 वालों को? नहीं बेटा, वो नहीं बना सकते। सिंपल सा रीजन ये, खत्म नहीं हुआ ना, वो एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए, उसके बाद आप उसे क्या कर सकते हो, उसे परमानेंट बना सकते हो। यानी कि सबसे पहले आप नॉर्मल एग्जेम्पशन के चेन में चलोगे और जो खत्म हो गया उसके बाद आप उसे परमानेंट बना सकते हो, और वो ऑप्शन आपको 4th अटेम्प्ट पे ही मिलेगा। यानी कि मई 22 वाला जो एग्जेम्पशन है उसको अगर आपको परमानेंट बनाना है, तो यानी कि मई 24 में ही बना सकते हो और फिर वो लाइफ टाइम चलेगा। अगर आप बोलोगे कि भैया मेरे को मई 22 में एग्जेम्पशन आया है, उसको मैं इस अटेम्प्ट नहीं बट मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट बनाना चाहूं, तो नहीं बेटा, क्योंकि 3 अटेम्प्ट वैसे भी निकल गए और परमानेंट एग्जेम्पशन बनाने का 4th अटेम्प्ट होता है वो भी निकल गया, तो उसके बाद आप उसे परमानेंट नहीं बना सकते हो। यानी कि आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आपका मई 22 की एग्जाम में कोई एग्जेम्पशन आया है तो आप मई 24 में उसको परमानेंट एग्जेम्पशन बना सकते हो। अगर नवंबर 22 में आया है तो आप उसे नवंबर 24 में बना सकते हो। मई 23 में आया है तो आप उसके बाद मई 25 में बना सकते हो। उस तरीके से उसके 3 अटेम्प्ट पहले खत्म हो जाए, उसके बाद आप उसे परमानेंट बना सकते हो, और ये अच्छा है। अच्छा क्यों है वो आपको अभी पता चल जाएगा। परमानेंट एग्जेम्पशन जब आपने क्लेम कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मई 22 में कोई एग्जेम्पशन आया था जिसको आपने आज परमानेंट बनाया, आप बोलो भैया एक सब्जेक्ट को बना सकते हैं कि दो में आए तो दोनों को बना सकते हैं? भैया जितने सब्जेक्ट में आपका एग्जेम्पशन आया है उन सारे सब्जेक्ट को आप परमानेंट एग्जेम्पशन बना सकते हो। यानी कि अगर आपके 2 एग्जेम्पशन आए थे तो आप दोनों को परमानेंट बना सकते हो। ऐसा नहीं है, या तो आप दोनों को जाने दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने एक को परमानेंट बनाया और एक को जाने दिया, नहीं, ये नहीं कर सकते हो, वो क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है भैया, अब आगे क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल मई 22 में आपका कोई एग्जेम्पशन आया, इसको आपने मई 24 में आपने परमानेंट एग्जेम्पशन बना दिया। ओके भैया मेरे आए थे 65 मार्क्स, अब बताओ बाकी के सब्जेक्ट में मुझे कितने लेके आने हैं, मतलब 150 में से अगर मैं 65 निकाल दूं तो भैया मुझे सिर्फ अब 85 मार्क्स ही लाने हैं? नहीं बेटा, ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जिस सब्जेक्ट को आप परमानेंट एग्जेम्पशन बना रहे हो वो सिर्फ सब्जेक्ट निकल रहा है, इसका मतलब ये कि उसके मार्क्स जो आपके 65 आए तो 150 में से 65 माइनस कर दोगे? ऐसा नहीं है, बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उसमें आपको इच सब्जेक्ट में, फिर से सुनना, इच सब्जेक्ट में मिनिमम 50 मार्क्स लेके आने हैं। भैया मिनिमम 40, मिनिमम 50, तो आपको इच सब्जेक्ट में मिनिमम 50 लेके आने हैं। फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट में आपको परमानेंट एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया, ठीक है भैया, बचे कितने? 2 सब्जेक्ट, 2 में आपको 100 मार्क्स लेके आने, बट मिनिमम 50 भी लेके आने हैं। समझ में आ रहा है आपको बात को? यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि परमानेंट एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हो तो बाकी 2 में आपको मिनिमम 50 लेके आना है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला भी है, तो अब ये भी चीजें ध्यान में रखिएगा। जब तक नॉर्मल एग्जेम्पशन चलता है ना वो अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये कि
जितने मार्क्स आए वो आपके माइनस हो जाएंगे 150 में से। हाँ भैया 65 है तो 65 माइनस, अब आपको लेके कितने आने, 85 लेके आने, तो बहुत ईजी है। और दूसरा चीज कि एक सब्जेक्ट में 40 आए और एक में 55 आए तो भी दिक्कत नहीं है भाई, अपन तो पास है क्योंकि 85 लेके आने थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है भाई, बट जब आप परमानेंट में जाओगे तो वहां पे तो मिनिमम 50 मार्क्स लेके आने ही है, तो ये चीज आपको जरूर से ध्यान में रखें। मैंने काफी सारे क्लेरिफिकेशन आपको यहाँ पे दे दिए हैं, फिर भी मैं एक बार नोटिफिकेशन में देख लेता हूँ कि अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो रह गया हो तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। तो यस, डेट और लिंक ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, तो वो वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो, परमानेंट एग्जामिनेशन को क्लेम कर सकते हो। आप लाइफ में एक ही बार परमानेंट एग्जामिनेशन को क्लेम कर सकते हो, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपको कब करना है। परमानेंट एग्जामिनेशन के लिए कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाली है, तो जब भी आप डिटेल्स डालिए तो प्लीज ध्यान से डिटेल्स डालिएगा, इसका कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाला है। और अगर आप इसे जाने देना चाहते हो तो आप जाने भी दे सकते हो, मतलब लैप्स कर सकते हो कि भैया हमको परमानेंट एग्जामिनेशन नहीं चाहिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये आपके पास एक ऑप्शन है। एंड यस, जब आप किसी भी ग्रुप में परमानेंट एग्जामिनेशन लेते हो तो उस ग्रुप में दूसरा एग्जामिनेशन आपको नहीं मिल सकता, यानी कि अगर आपने ग्रुप वन में कोई परमानेंट एग्जामिनेशन लिया है तो ग्रुप वन में आपको दूसरा एग्जामिनेशन नहीं मिल सकता। हालांकि ग्रुप टू में आपको अगर एग्जामिनेशन आता है तो आप उसे रेगुलर एग्जामिनेशन ले सकते हो। तो ये ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया गया है, ना कि आप इंटर में और फाइनल में हो तो इंटर में आप कोई भी एग्जामिनेशन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं। ग्रुप वन में अगर आपने परमानेंट एग्जामिनेशन बनाया तो ग्रुप वन में आप बाकी एग्जामिनेशन नहीं ले सकते, बट यस ग्रुप टू में आप एग्जामिनेशन ले सकते हो। तो मैंने ट्राई किया कि सारी चीजों को सिंपल वे में आपके साथ रखूं, आपके सामने रखूं और आपको अच्छी तरीके से समझाऊं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास कैसे करना है, स्ट्रेटेजी, फ्री एंड पेड, काफी सारी चीजें मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूं, तो मेरे साथ जरूर से जुड़ जाइए, ऐसी अमेजिंग चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज अपने इंटर एंड फाइनल के स्टूडेंट्स के साथ जरूर से शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर से करिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपके लाइक्स के काउंट्स देख के। थैंक यू सो मच, जय हिंद।